डिनर भी ऑर्डर आप ही लीजिएगा, तो लेके साथ पैसा एक ही बार। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब चावल दाल सब्जी भुजिया यही आज का लंच। ऊपर रेलवे स्टेशन, नीचे कुमार घोष आउटडोर कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी नंबर है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15962 डिब्रूगढ़ हावड़ा कामरूप एक्सप्रेस में, जो कि वीक में दो दिन चलती है, संडे को और थर्सडे को वाया बोगीबिल, और बाकी के पांच दिन ये चलती है वाया गुवाहाटी। तो हम लोग की जो जर्नी है ना कामरूप एक्सप्रेस में होने वाली है वाया बोगीबिल से। तो डिब्रूगढ़ से रात में ये ट्रेन ना 11:55 पर निकलती है और आपको तीसरे दिन सुबह 6 बजे हावड़ा पहुंचाती है। सो तो ये ट्रेन जो है लगभग 1350 किलोमीटर की दूरी तय करती है लगभग 40 हॉल्ट के साथ 30 घंटे में, और वाया गुवाहाटी जो ये ट्रेन चलती है उसका टाइमिंग है डिब्रूगढ़ में 6:40। ये भी ट्रेन आपको तीसरे दिन सुबह 6 बजे पहुंचाएगी, लेकिन हम लोग की आज जर्नी जो होने वाली है वो होने वाली है वाया बोगीबिल। जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और अपनी कामरूप एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ही निकलती है, और अभी फिलहाल हो रही है हल्की हल्की बारिश। वैसे आज जो है ना इस ट्रेन में हम लोग का सफर होने वाला है स्लीपर क्लास में, कोच है S4, सीट है 79, साइड लोअर। भाई लगभग 12 बज चुका है, तो चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, तो लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट रंगा पारा नॉर्थ रेलवे स्टेशन, और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 5 मिनट डिले। रंगा पारा नॉर्थ रेलवे स्टेशन ये असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, नंबर प्लेटफॉर्म 5, और अभी फिलहाल यहाँ 32 ट्रेन आकर रुकती है रोजाना। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो ये जो ट्रेन है ना 3 जनरल क्लास, 3 थर्ड एसी, 1 सेकेंड एसी और 11 स्लीपर क्लास कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूं डिब्रूगढ़ से हावड़ा स्लीपर क्लास का, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 585 रुपीज़। अगर आप थर्ड एसी में जर्नी कीजिएगा डिब्रूगढ़ से हावड़ा, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 1555 रुपया। जी हाँ, इसमें पेंट्री कोच तो है, लेकिन अभी तक भाई पेंट्री का सर्विस स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब 6 बजने वाला है लेकिन चाय वगैरह भी अभी तक मिला नहीं है, हॉकिंग हो गया। चलिए चलते हैं। वैसे जब से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई ना भाई, तब से लगातार बारिश हो ही रही है, आप देख ही रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ री लेवल बाय अनअकैडमी के बारे में। जॉब हंट एक बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप घर बैठे आप जॉब ले सकते हो अपने हिसाब से, आपको ये रैंडम एडवर्टाइजमेंट लग रहा हो, एक्चुअली में ऐसे ही जॉब ली है सार्थक, निशा, शुभम और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने। ये है री लेवल बाय अनअकैडमी के कैंडिडेट्स, जिसके अपने अलग अलग स्टोरी है। निशा ने 10 साल के गैप के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया री लेवल के जरिए। सार्थक ने कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जॉब चूज किया री लेवल के थ्रू। शुभम ने भी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिया और अपना करियर
प्रोडक्ट मैनेजमेंट में रीस्टार्ट किया रीलेवल टेस्ट देकर। सिर्फ एक टेस्ट और इतनी सारे अपॉर्चुनिटीज, फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपको अपने करियर को सही ट्रैक पे लाना है तो रीलेवल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। स्विगी ओला जैसे 200 प्लस कंपनी हायर करती है रीलेवल से। इन सब के लिए आप एलिजिबल हो इंडिया में कहीं से भी। और तो और प्लेस्ड कैंडिडेट को गुडीज मिलती है रीलेवल के तरफ से। इनमें से हर मंथ टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल फोन, मैकबुक, एप्पल वॉच मिलते हैं प्राइस के तौर पे। रीलेवल ने अब तक 30 करोड़ से भी अधिक जॉब डिलीवर किए हैं ऑल ओवर इंडिया। लास्ट मंथ ही 36 लाख वर्थ ऑफ जॉब डिलीवर हुए हैं डेली। इनमें से कई सारे कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स दिख जाएंगे अक्रॉस इंडिया। कुछ दिन पहले ही रीलेवल ने 5 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए और कैटेगरीज लाइक एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब 18 कैटेगरीज में आप टेस्ट देकर जॉब ले सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, HR और मेनी मोर। सो है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। अगर आप भी इंडिया के टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब करना चाहते हो, ना कोई डिग्री, ना कोई एक्सपीरियंस, बस स्किल, सो गो चेक इट आउट टुडे। अभी बातचीत हो रही थी पेंट्री के बारे में कि पेंट्री सर्विस स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए अब जाकर चाय वगैरह आना शुरू हो गया है। और इस बारिश में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए भाई साहब। वैसे हमने आपको बताया कि स्टेट में पेंट्री कोच है, लेकिन पेंट्री की सर्विस ना वही रंगापाड़ा के बाद ही स्टार्ट हो। अभी यहाँ से पेंट्री का बना हुआ ये गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट हम लोग खा रहे हैं। ब्रेड कटलेट नहीं बना आज क्योंकि हीटर खराब हो गया ऑमलेट बनाते बनाते। तो भाई लगभग 425 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट रंगिया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RNY। और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 15 मिनट बिफोर। रंगिया जो है ये असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में आता है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1909 में और अभी फिलहाल यहां रोजाना 80 ट्रेन्स आकर रुकती है और रंगिया में लोकोमोटिव को चेंज किया जाएगा। अब तक जो है ना जर्नी हम लोग की हो रही थी डिब्रूगढ़ से रंगिया तक डीजल लोकोमोटिव के साथ, अब रंगिया से हावड़ा तक ये जर्नी होने वाली है ना वो होगी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ। तो अभी तक जो जर्नी थी हम लोग की हो रही थी सिलीगुड़ी का WDP4 लोकोमोटिव के साथ। अब देखिए कौन सा लोकोमोटिव लगाया जाता है। सामने में देख रहे हैं हावड़ा का WAP7, वही लोकोमोटिव लगेगा अपने कोच में, मतलब अपने ट्रेन में।
कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कामरूप एक्सप्रेस का वॉशरूम। तो वॉशरूम में जाने से पहले देखिए सामने में आपको देखने को मिलेगा मिरर, मिरर की साफ सफाई सही है। वैसे ये जो कोच है ना बिल्कुल नया स्लीपर क्लास का कोच, और ये देखिए वाटर डिस्पेंसर पानी वगैरह आ रहा है, और ये रहा डस्टबिन, नीचे एक्सटिंग्यूशर। अब चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम में आते ही देखिए सामने में आपको देखने को मिलेगा मिरर, लेकिन मिरर जो है साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ है, शायद किसी ने तोड़ दिया होगा। ये देखिए बेसिन का साफ सफाई देख रहे हैं, काफी बढ़िया है, पानी आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिक्विड सोप होना चाहिए, यहाँ पे था लेकिन क्या है ना किसी ने शायद तोड़ दिया है, देखिए डैमेज है ना, यहाँ है ही नहीं मतलब, और यहाँ भी ये डैमेज किया गया यहाँ पे। वैसे वॉशरूम का कंडीशन, कोच का कंडीशन काफी बढ़िया है, स्लीपर क्लास है, क्योंकि कोच नहीं है। और अभी तक दो बार OBHS स्टाफ आ चुके हैं, और कोच की सफाई भी हुई है, और बाथरूम का भी सफाई दो बार हो चुका है अभी तक। टाइम हो रहा है 10:20। आलू का भुजिया आएगा, अच्छा कितने का थाली आपको? 120 का वेज थाली। थाली अंडा 130 और फिश और चिकन जो भी खाएंगे 120। नंबर 79 और 80, और कब तक ये आ जाएगा? 12:30-1 बजे। हाँ, डिनर भी ऑर्डर आप ही लीजिएगा, तो ले के साथ पैसा एक ही बार। एक अंडा एक वेज थाली आलू का भुजिया आएगा, मिक्स सब्जी रहेगा, दाल रहेगा, में लगभग 11 बजे लंच का ऑर्डर ले लिया जाता है पेंट्री स्टाफ के द्वारा। तो हम लोगों ने लंच का ऑर्डर कर दिया है, वेज थाली और एक अंडा थाली। वेज थाली भैया बता रहे थे 120 का, और अंडा थाली बताए हैं 130 का। तो भाई ऐसा है ना कि वेज थाली मिलता है 80 का, ठीक है, लेकिन भैया 40 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कोई बात नहीं है, लास्ट में एक बार बिल मंगवाएंगे, और आज बिल मंगवाते हैं, देखते हैं भाई बिल कितना का बनता है, ठीक है, वेज थाली का और एक अंडा थाली का। और डिनर भी हम लोग करेंगे, डिनर के बाद एक ही साथ ना बिल मंगवाएंगे, तो देखते हैं कितना, मतलब जो प्राइस बता रहे हैं बिल भी उतना ही का आता है कि 80 रुपये के हिसाब से आता है, ठीक है। और ये जो लंच है ना ये 12 बजे के बाद आपको मिलेगा, तो चलिए इंतजार करते हैं 12 बजने का। लेकिन उससे पहले आपको 12 पेटा रोड रेलवे स्टेशन दिखा है। अभी होगा तो गुवाहाटी मालूम नहीं, नहीं तो गलत चीज़ है ना ये, अभी चलते हैं मैनेजर से बात करते हैं। ट्रेनिंग हम जब ट्रेनिंग की उस वक्त तो मिला था, जब ट्रेनिंग निकली तो आप ही के स्टाफ तो पानी तो हमको दिए रेल हाँ, तब तो मिला ना क्या? वीडियो मत करो, मैनेजर कौन है भाई? वीडियो मत करो। हाँ तो भाई, तो लोकल बेचोगे तो वीडियो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? सीन ऐसा है ना इस ट्रेन का कि लोकल पानी बेचा जाता है, जब आप बोलिएगा ना तब जाकर आपको मिलेगा ये। लगभग 490 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं बरपेटा रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BPRD। और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग की ट्रेन पहुंची है यहां लगभग 25 मिनट डिले। बरपेटा रोड रेलवे स्टेशन आता है असम में। वैसे यहां सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है, और अभी फिलहाल यहाँ 42 ट्रेन आकर रुकती है। इस ट्रेन की कहानी हमने आपको बता ही दिया, मतलब पानी जो है ना रेल लेट नहीं बेचा जा रहा, लोकल पानी बेचा जा रहा है। जब ट्रेन निकली थी उस वक्त रेल नीट दिया गया था, 2 बोतल ले लिए थे, सोचे काम चल जाएगा, लेकिन भाई काम कैसे चलेगा, 30 घंटा का जर्नी है तो पानी तो और चाहिए ना, तो लोकल पानी पी के थोड़ी जर्नी करेंगे। हमने भैया को बोला कि भैया पानी लाइए रेल नीट, कहते नहीं रेल नीट तो नहीं है। बोले ऐसा कैसे होगा भाई, अगर नहीं दीजिएगा तो हम जाते हैं पेंट्री मैनेजर से पूछते हैं भाई क्यों नहीं है, लोकल पानी क्यों बेचा जा रहा है। बोले ठीक है मैं ला के देता हूँ। फिर भैया गए, 2 बोतल रेल नीट ला के दिए। तो यही है, जब तक नहीं बोलिएगा आपको लोकल पानी पिलाया जाएगा, वो भी 20 का। कब तक सही हैगा?
लगभग 535 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट न्यू बोंगोई गांव जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NBQ और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन पहुंची है यहां 15 मिनट डिले। ये जो रेलवे स्टेशन है ना, न्यू बोंगोई गांव रेलवे स्टेशन, ये आता है असम में। और इस रेलवे स्टेशन का खासियत पता है, ये इंडिया का इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जो किसी रिवर के ऊपर है। रिवर का नाम है तुनिया रिवर के ऊपर रेलवे स्टेशन बना हुआ है। लास्ट टाइम जब इधर से गुजरे थे ना, कैपिटल एक्सप्रेस की मैं बात करता हूँ, तो रात का टाइम था, कोच अपनी थी आगे, तो इस वजह से हम दिखा नहीं पाए थे। इससे पहले जबकि एक बार हम दिखाए हुए हैं, लगभग 6-7 महीने पहले की बात है। तो जो भी नए यूजर्स जुड़े हैं, नए फैमिली मेम्बर जुड़े हैं अपने चैनल के साथ, तो चलिए उनको फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ तुनिया रिवर। ये है तुनिया रिवर, सामने में ये जो देख रहे हैं ना, ये रिवर है, इधर प्लेटफॉर्म है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा तुनिया रिवर। वैसे इसमें पानी बहुत कम रहता है, लेकिन अभी बारिश हुआ है ना, पानी देखिए ऊपर रेलवे स्टेशन, नीचे रिवर। तो भाई अपना खाना आ चुका है, एक अंडा थाली और एक वेज थाली। सो गए, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:15। तो लंच का ऑर्डर हम लोगों ने दिया था सुबह 10:30 के लगभग, तो 1:15 में जो है हम लोगों को अभी लंच मिल चुका है। अतः न्यू बोंगोई गांव जंक्शन के बाद आपको लंच मिल जाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने ऑर्डर किया था वेज थाली और एक थाली। वेज थाली भैया बताए थे 120 का और अंडा थाली बताए 130 का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वेज थाली में क्या क्या है। देखिए, ये दाल आपको मिलेगा और इसका थिकनेस तो भाई वैसा ही है। और ये रहा आलू परवल की सब्जी, मिक्स वेज है ये, साथ में राइस, पिकल, रुचि का ये पिकल है, साथ में ये भुजिया है, आलू की भुजिया। ये 120 की थाली है वेज थाली। और ये है नॉन वेज थाली, ये 130 का है। सेम जो वेज थाली में मिलता है वही चीज मिलेगा, बस ये भुजिया की जगह आपको दो अंडा मिलेगा, अंडा करी, ठीक है। और अंडा करी ये देखिए। वैसे हमारे को पैसेंजर भी ने वेज थाली लिया था, तो कैसा लग रहा थाली, कैसा है? उतना अच्छा नहीं है, खाने लायक है? चावल सही नहीं है? अच्छा अच्छा। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं दाल।
लगभग 985 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 25वां हॉल्ट न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NJP। और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 1 घंटा 25 मिनट डिले। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आता है वेस्ट बंगाल में। वैसे इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था 1960 में। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 9, 9 में से 7 प्लेटफॉर्म है ब्रॉडगेज ट्रेन का, 2 प्लेटफॉर्म है नैरो गेज। नैरो गेज का मतलब यहाँ से टॉय ट्रेन चलती होगी, बिल्कुल भाई, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन यहीं से चलती है। और यहाँ पे अभी फिलहाल 143 ट्रेन्स आकर रुकती है। और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। और लंच जो हम लोगों ने ट्राई किया ना पेंट्री का, भाई साहब वेज थाली एक थाली। टेस्ट की बात करूँ, टेस्ट एवरेज था, आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब मिक्स वेज या एक करी ज़्यादा तीखा हो या फीका हो, ऐसा था कि आप खा सकते हैं। हाँ, प्राइस का कुछ इशू है, 120 की वेज थाली मिल रही है, 130 का अंडा थाली मिल रहा है। तो प्राइस का हिसाब ना असली आपको पता चलेगा रात में, रात में बिल लेंगे भैया से पूछेंगे तो बिल में तो साफ पता चल जाएगा कि भाई कितने का वेज थाली मिल रहा है और कितने का अंडा थाली मिल रहा है क्या। और देखिए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक मतलब अपने कोच में ना कम क्राउड था, लेकिन उसके बाद भाई साहब देख सकते हैं क्राउड, देखिए। टाइम हो रहा है 8:30 और अपना डिनर आ चुका है पेंट्री से। तो पेंट्री से आज हम लोगों ने मंगाया था वेज थाली और चिकन थाली। वेज थाली 120 का भैया बता रहे थे और चिकन थाली 150 का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे लंच जो हमने किया था तो उसमें वेज थाली मिला था आलू पटल की सब्जी, लेकिन अभी जो है ना आलू सोयाबीन की सब्जी मिली, मैं आपको दिखाता हूँ। देखने में तो सब्जी सही लग रहा है और साथ ही दाल जैसा दिन में दिया गया था ना दाल लंच लंच में वैसा अभी भी वही है। और ये है चिकन। तो चिकन थाली में आपको दिया जाएगा राइस मिक्स वेज और ये दाल पिकल और ये चिकन का 2 पीस दिया जाएगा। अगर आप वेज थाली लेते हैं 120 का तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है वेज थाली, इसमें भी सेम वही चीज़ है, साथ में ये दिया जाता है भुजिया आलू की और ये देखिए 2-2 चपाती भी दिया जाता है। आलू सोयाबीन की सब्जी ट्राई करते हैं राइस के साथ डाल के। ये भी सब्जी सही है और रोटी तो गर्म है ही। ये देखिए ये चिकन देख रहे हैं, ग्रेवी देखिए, वाओ ये चिकन है भाई साहब। इसमें ये 1 पीस 2 पीस दिया गया है चिकन, ग्रेवी देखिए कितना गजब का। ये देखिए मजा आ गया। पेंट्री में उससे बढ़िया चिकन तो भाई अब क्या करें। प्रीमियम ट्रेन में इस तरह का चिकन मिलता है, वैसा ही चिकन मिला। हम जर्नी किए थे रिसेंटली सिया राजधानी में और प्रयागराज दुरंतो के फर्स्ट एसी में, तो भाई उसका टक्कर दे रहा है ये भी चिकन वैसा ही है, बहुत बढ़िया। इस ट्रेन का नॉनवेज आप ट्राई कर सकते हैं, प्राइस वही है 150। प्राइस की बात मैं बाद में करूंगा, पहले खा लेते हैं, लेकिन यार बहुत बढ़िया चिकन। अपना डिनर हो चुका है और थाली देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि डिनर कितना बढ़िया था, मतलब पेंट्री का खाना इस ट्रेन का सही है, खा सकते हैं।
1020 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 29वां हॉल्ट मालदा टाउन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MLDT। और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन पहुँची है यहाँ 10 मिनट बिफोर। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन आता है वेस्ट बंगाल में। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1971, नंबर प्लेटफॉर्म 7, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 119 ट्रेन आकर रुकती है। और मालदा को जाना जाता है मैंगो सिटी के नाम से। यहाँ पर ना मैंगो के कई वैरायटी के आपको मैंगोस मालदा में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जो है हम लोगों ने डिनर किया, दोपहर में लंच किया। और मैं टेस्ट की बात करूँ तो लंच भी बढ़िया था, डिनर भी बढ़िया था, मतलब खाने लायक था। पेंट्री का बना हुआ खाना इस ट्रेन में खा सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि मतलब लंच और डिनर दोनों करने के बाद हमने बिल मंगवाया, ठीक है। तो बिल जो बना ना वो लगभग मतलब उनके प्राइस के हिसाब से बिल बना था 520 रुपये का। 520 रुपये का बिल बना, जिसमें वेज थाली 130 का दे रहे थे, न वेज थाली 120 का, अंडा थाली 130 का, चिकन थाली 150 का दे रहे थे। तो उनके हिसाब से 520 का बिल बना। तो हमने बोला भैया ऐसा कीजिए बिल लेके आइए। तो अभी बिल लेके आए हैं। तो बिल कितने का लाया मालूम है? 380 का। जो वेज थाली 120 में दे रहे थे वो वेज थाली रियल में 80 रुपये का। इसलिए हमने पहले ही आपको बोला कि सारा हिसाब लास्ट में करेंगे। बस हम यही कहना चाहते हैं कि भाई साहब, अगर आप भी ट्रेन जर्नी करते हैं, जिस ट्रेन में पेंट्री कोच हो, तो खाना खाने के बाद बिल आप ज़रूर लें, क्योंकि जो थाली आपको 20 की 130 की दी जाती है वो थाली रियल में 80 की होती है, अंडा थाली रियल में 90 की होती है, और चिकन थाली रियल में 130 की होती है। बिल मेरे पास है भाई, ये रहा अपना बिल। देखिए इसमें लिखा हुआ है जयंता कुमार घोष आउटडोर कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड, GST नंबर है, फूड लाइसेंस नंबर दिया गया है। देखिए वेज मील कितना लिखा हुआ, 80 रुपया। नॉन वेज मील लिखा हुआ है 130। नॉन वेज एग मील वाला है, मतलब अंडा थाली, वो 90 का लिखा हुआ है। टोटल 380 रुपया। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि जो वेज थाली, चिकन थाली, अंडा थाली जो ट्रेन में दिया जाता है उसका रियल प्राइस क्या है। तो अब जब भी ट्रेन जर्नी करे तो इसी के हिसाब से आप खाना खरीदे, थाली ले, इतना ही पैसा पे करें। इसलिए हमने आज बिल लिया है और आगे भी इसी तरह लेते रहेंगे। ये देखिए, ये जो बिल है ये मेरे को पैसेंजर का है। उनको भी हमने बोला भाई साहब आप भी बिल लीजिएगा, तो इन्होंने भी बिल लिया है। ये देखिए इनका भी, आप देख सकते हैं वेज थाली 80 का लगाया गया है, ये देख रहे हैं। और ये मेरा बिल है, मेरा बिल ये रहा 380 वाली, और ये मेरे को पैसेंजर का 240 वाली। वो कैमरा पे नहीं आना चाहते, इस वजह से उन्होंने अपना बिल दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाई बस कहना यही है कि नो बिल फ्री फूड, मतलब बिल अगर नहीं मिलेगा तो खाना फ्री में मिलेगा आपको। जो भी स्टाफ आते हैं पेंट्री के देने के लिए, तो उनका ड्रेस पे भी देखते होंगे लिखा हुआ रहता है। भाई लिखा हुआ रहता सिर्फ पढ़िए मत, उस चीज़ को फॉलो भी कीजिए, ठीक है। तो बिल तो मिल गया, लेकिन आज से शुरुआत भी हमने कर दिया है, हर ट्रेन में बिल लिया जाएगा जिसमें पेंट्री कोच हो, बिना बिल के खाना नहीं। चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा, और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है यहाँ 15 मिनट बिफोर। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा। अगर मैं इन शॉर्ट इस ट्रेन की साफ़ सफाई और कोच के कंडीशन की मैं बात करूँ, बाथरूम की और कोच की, तो भाई दोनों काफ़ी बढ़िया था पूरी जर्नी। मतलब OBHS स्टाफ के द्वारा टाइम टू टाइम साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा था, बाथरूम का कंडीशन सही था, स्लीपर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, और कोच का भी कंडीशन काफ़ी बढ़िया था। अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो इसमें पेंट्री कोच तो है ही, लेकिन पेंट्री का खाना भी बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। लंच हमने किया, डिनर हमने किया, दोनों काफ़ी बढ़िया था। बस वही बात अलग है ना कि ओवर प्राइस था, तो भाई वो तो आपको देखना पड़ेगा। बिल लीजिएगा तो आपको भी सही रेट पे डिनर लंच मिल जाएगा, ठीक है। बिल ज़रूर ले, बिना बिल का आप समझ रहे हैं ना, एक थाली पे 40 रुपये एक्स्ट्रा, वेज थाली 80 की थाली 120 में, भाई 40 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दे, जो रेट है उसके हिसाब से देना है ना, रेलवे ने जो रेट सेट किया है उसी वही पैसा हम लोग को पे करना है। तो बिल ज़रूर ले, और जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का मिला जुला के सही रहा। लेकिन एक चीज़ है भाई, जब से ट्रेन निकली ना ये, तब से लेकर हावड़ा तक अभी तक लगभग 8 से ज़्यादा 8-10 बार जो है ना किन्नरों के द्वारा परेशान किया गया हर पैसेंजरों, और साथ ही बाहर के वेंडर जो है ना वो बार बार इस ट्रेन में आते हैं,
लीकर, गुटखा पान, मसाला, टेडी बियर, ना जाने मतलब क्या क्या आपको इस ट्रेन में मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सतर्क रहिएगा क्या कि बाहर के वेंडर बहुत आते हैं इस ट्रेन स्लीपर क्लास में खास तौर पे। तो चलिए आज की जर्नी को ये लास्ट करते हैं। वैसे आपने इस ट्रेन में अगर जर्नी किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मोनू भाई ने कितना सही दिखाया और बताया है। अगर आपने जर्नी नहीं किया इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं फिर भी आपको पता चल जाए कि मोनू भाई ने कितना सही दिखाया था। तो चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, 29 बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।